सो ये गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, इट्स मी नीतीश नियो। व्हाट्स अप, कैसे हो, कसक आए एंड नमस्कार हे गिरीरा। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। आज जो मेरे पीछे है दो मोटरसाइकिल्स है, दैट इज द ओल्ड ड्यूक 390 और यहाँ पे है नया ड्यूक 390। तो दोनों के दोनों है, वहाँ पे आप देख सकते हो इनफैक्ट अंदर जो पार्क किया हुआ है ये है द फर्स्ट एवर मॉडल ऑफ ड्यूक 390 क्लासिक वाला है, वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। सो इनफैक्ट वी कुड हैव यू नो केप्ट इट हियर, बट या ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दोनों काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न वर्जन है। सो दिस सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन से, तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी है और काफ़ी चेंजेस भी है। वो क्या चेंजेस हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन ऑफकोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दो। लेट्स गो टुवर्ड्स द बाइक एंड एक्सप्लोर करते हैं इनके चेंजेस को। Got my feelings up and it's just for you. I just need a little bit of time to breathe in and out. I just need a little bit of time to ease up my mind. All for you. Situation got me running like I'm losing my mind. All for you. Hey guys, here we have the all new KTM Duke 390, यहाँ पे है 2024 का वर्जन एंड वो है पुराना वर्जन, मतलब लास्ट ईयर तक ये चल रहा था। तो अभी भी आई थिंक कुछ कुछ स्टॉक्स बचे होंगे, अगर आपकी ये डिजाइन पसंद है तो आई थिंक यू शुड गो एंड बाय दिस। बट इससे पहले हम लोग करते हैं क्विक वॉक अराउंड ऑफ दिस मोटरसाइकिल एंड बीच में थोड़ा बहुत कंपेरिजन करते हैं दोनों के बीच में क्या क्या फर्क है। तो 17 इंच के आपको अलावा इसमें जाते हैं 1070 सेक्शन का टायर मिलता है, R17 है, 54 एच स्पीड एंड रोटिंग मिडजर के टायर से यहाँ पे मिल जाते हैं। उसका भी सेम, सब कुछ सेम है, सेक्शन भी सेम है, सब कुछ है, लेकिन डिफरेंस ये ना ये जो डिस्क है ना यहाँ पे आपको मिलती है हबलेस डिस्क, 320mm आपको मिल जाता है विद रेडियल कैलिपर्स, आपको मिलते हैं 4% कैलिपर्स यहाँ पे मिल जाता है। वेर एज यहाँ पे ना डिस्क जो है उस तरफ है एंड इट्स अ हब डिस्क एंड यहाँ पे भी कैलिपर्स सेम ही है। बट द थिंग इसकी, इसका एडवांटेज क्या होता है हब डिस्क का कि इसका हीट डिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। साथ साथ में नॉट जस्ट दैट, व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग इज दिस, इसका जो अनस्प्रंग रोटेटिंग मास होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है एंड वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, दैट्स द डिफरेंस। सस्पेंशन जो है दोनों में आपको मिलते हैं WP Apex के 43mm के अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं। बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज यहाँ पे आप देख सकते हो यू हैव एडजस्टेबल कंप्रेशन एंड रिबाउंड ऑन द फ्रंट, वेर एज यहाँ पे आपको वो एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलते हैं। एंड ऑल्सो हेडलाइट जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हो द न्यू मॉडल में यहाँ पे आपको 4 स्प्लिट LED मिल रहा है एंड साथ में यहाँ पे आपको मिलती है एक DRL जो सेपरेटेड है, लेकिन यहाँ पे ना एक सेट में है। बाई चांस अगर बाई चांस बाइक कहीं पे गिर गई तो पूरा, मतलब ये इतना भी पार्ट टूटेगा तो आपको पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड साथ में यहाँ पे 6 स्प्लिट LED है देख सकते हो आप, वेर एज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार बाई चांस अगर टूट गई तो सिर्फ इतना ही पार्ट आप रिप्लेस करवा सकते हो, विच इज काइंड ऑफ ईजियर। एंड टैंक स्ट्राउट्स जो है ना ये काफ़ी ज़रा बड़ा बन चुका है, दिस लुक्स मोर देक सुपर ड्यूक नाउ, वेर एज वो उतना नहीं बड़ा है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये है ना डिफरेंस, मेजर डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पे, चैसी जो है मेन फ्रेम जो है ना यहाँ का ट्रेलिस फ्रेम है एंड सब फ्रेम जो है इसमें एल्यूमिनियम डाईकास्ट का मिल जाता है। वेर एज यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बोल्ट ऑन सब फ्रेम मिलता है एंड वो जो है दोनों के दोनों ट्रेजेस फ्रेम ही आपको मिल जाते हैं। एंड साथ में गाड़ी का जो वेट है ना दोनों के बीच में, दिस इज 168 केजीज, दैट इज 172 केजीज। एंड साथ में इंजन में मेजर फर्क है, दिस हियर इज अ 399cc लिक्विड कूल्ड इंजन, सब कुछ तो लिक्विड कूल्ड ही है, दोनों सेम ही है, 4-valve है दोनों के दोनों, दोनों DHC है। बट इसका जो पावर है दैट इज 46 PS ऑफ पावर एंड 39 Nm की टॉर्क मिल जाती है, वेरस वहाँ पे आपको मिलता था 43.5 PS की पावर मिलता था एंड 37 Nm की टॉर्क मिलता था वहाँ पे। सो टॉर्क और पावर ज़्यादा बढ़ चुका है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ 183mm, लेकिन वहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस था आपका 151 था बिकॉज आपका जो एग्जॉस्ट है वो नीचे से जा रहा है एंड डिज़ाइन भी कुछ ऐसा ही है इसका। वेरस BS4 में इसका एग्जॉस्ट जो था वो यहाँ पे नहीं था, साइड से जाता था बिकॉज ऑफ इसका सस्पेंशन, उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा बेटर था वो साइड से ऐसे निकल जाता था। तो ये BS4 का ही डिज़ाइन है, ये जो प्लेट है ना हीट ना आए इस चक्कर में दिया था इन्होंने, लेकिन BS6 में भी कंटिन्यू किया लेकिन सस्पेंशन जो है नीचे से, एग्जॉस्ट जो है नीचे से चला गया। एंड सर में सीट हाइट जो है इसमें 823mm का आपको सीट हाइट मिल जाता है, वेर एज दिस वन इसका जो सीट हाइट है दिस इज ऑफ 800mm द न्यू मॉडल का। सो दैट इज अ बिग एडवांटेज हियर बिकॉज आप देख सकते हो न्यू मॉडल में ना काफ़ी ईजी हो जाता है फॉर इवन इफ यू हाइट इज 5'5" 5'6" यू शुड भी एबल टू राइड इट वेरी कंफर्टेबली। एंड गाड़ी का जो टैंक है दिस इज ऑफ 15 लीटर्स, वो 13.5 लीटर्स का हुआ करता था। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे का जो ग्रैब रेज है ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा इंटीग्रेट किया है इन्होंने, टेल लाइट के ऊपर प्रॉपर जैसे आ रहा है ये, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे कवर हो रहा था। सो अगर कोई बैठता तो दिस कुड हैव, मतलब एक बैंड होने का पॉसिबिलिटी था यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, होल्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर कर दिया डिज़ाइन में। टेल लाइट जो है यहाँ पे टी शेप LED लाइट दिया है यहाँ पे, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यू हैव द पुराना ट्विन स्ट्रिप्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं।
देन लुकिंग एट द सस्पेंशन ओवर हियर, यहाँ पे सस्पेंशन जो था काफ़ी यहाँ पे सेंटर सेट है एंड उसके वजह से ना सीट हेड भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो सस्पेंशन जो है ऑफ सेट है, साइड में रखा हुआ है एंड बिकॉज ऑफ विच ये जो सस्पेंशन है इट सिट्स ऑन द स्विंग आर्म एक्चुअली। तो स्विंग आर्म का भी शेप है ना एंगुलर हो चुका है, यहाँ पे नॉर्मल स्विंग आर्म था, मतलब एल्यूमिनियम स्विंग आर्म ही था लेकिन नॉर्मल था एंड सेंटर सेट था। सस्पेंशन जो है वो सिर्फ प्रीलोड एडजस्ट कर सकते थे उसमें, फिर यहाँ पे आप प्रीलोड और रिबाउंड आप एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हो, यू कैन सी हियर। एंड रियर डिस्क जो है बाइक का यहाँ पे आपको मिलता है 240mm का आपको डिस्क मिलता है, थोड़ा बड़ा डिस्क आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिलता है 230mm का डिस्क। यहाँ पे टायर अगर मिलता था, यहाँ पे वो टायर अगर नहीं है लेकिन ये बड़ा सा पीछे का जो टेल टाइडी है थोड़ा मोटा सा है यहाँ पे एंड इधर से फेंडर थोड़ा मोटा है, वहाँ पे पतला में फेंडर था लेकिन इसको आप हटा के इसको भी पतला बना सकते हो चाहिए तो। एंड सीट जो है, सीट का कुशनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, इट्स मच बेटर नाउ, यहाँ पे उतना तगड़ा नहीं लगता था मुझे। एंड दिस लुक मोर जीनर, दिस लुक्स बल्कियर नाउ। एंड ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलती ABS प्लास्टिक विद द मैग्नेटिक स्ट्रिप यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता था मेटल वाला ही मिलता था विच इज़ क्वाइट जेनरिक। एंड ऑफकोर्स सामने का जो फ्रंट कंसोल है दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस हियर, ये कंसोल जो है 5 इंच का TFT आपको मिलता है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा कंसोल आपको मिल जाता है। ये जो फ्रंट कंसोल आपको मिल जाता है ना इसका ना आपको दिखा देता हूँ थोड़ा नज़दीक से करके, तो यू कैन सी टैकोमीटर, यू कैन सी ओके क्विक स्विच प्रेस्ड है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे मिलते हैं सारे टेलटेल लाइट्स, यू गेट हियर, देन मिलते क्लॉक, गियर पोजीशन इंडिकेटर, देन मिलती है यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे आपको मिल जाती है कौन से मोड, आपको मिलते हैं 3 डिफरेंट मोड्स ऑन द मोटरसाइकिल, स्ट्रीट मोड, रेन मोड एंड ट्रैक मोड। स्ट्रीट मोड में आपको मैक्सिमम पावर मिलता है, मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, ट्रैक मोड में भी सेम चीज़ें हैं लेकिन ट्रैक मोड में ना आपका जो स्क्रीन है ना ये चेंज होता है, आपको दिखा देता हूँ कुछ सेकंड्स में कैसे चेंज होता है बोल के। एंड आपका लॉन्च कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज रेन मोड में ना आपका जो पावर एंड टॉर्क फिगर्स में ज़्यादा फर्क नहीं लेकिन थ्रॉटल रिस्पॉन्स में फ़र्क रहेगा। आप थ्रॉटल आउट करोगे तो तुरंत जिप नहीं करेगा ये बाइक लेकिन थोड़ा धीरे से जिप करेगा एंड साथ साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ABS जो है ज़्यादा जल्दी इंट्रूसिव रहेगा उसमें रेन मोड में। तो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या मिलता है। सो व्हाट यू हैव हियर इज अ रेंज आपको मिल जाती है, ओडोमीटर मिलती है, बैटरी है, स्पीड वन मतलब व्हाट्स द स्पीड वन ऑन द ट्रिप वन, देन ट्रिप वन का कितना किलोमीटर्स, मैंने आज सुबह से 61.5 किलोमीटर्स बाइक को चलाया है, सो दैट इज़ व्हाट आई गेट हियर, मतलब थोड़ा ज़्यादा चलाया है लेकिन यार पेट्रोल भरवाया, माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ उसका भी वीडियो आएगा, तो वो मैंने यहाँ पे यू कैन सीट हियर। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल है, ABS अभी रोड मोड में है, इसको आप पीछे का जो ABS है उसको स्विच ऑफ करके आप इसको डाल सकते हो सुपर मोटो मोड में। स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है, देन यू हैव द टॉगल स्विच हियर, इसमें आपको क्या मिलता है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में मिलता है राइड मोड, ABS, MTC, लॉन्च कंट्रोल, ये सब कुछ मिलता है। लॉन्च कंट्रोल जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मोड में आपको मिलता है। देन व्हाट डू आई हैव नेक्स्ट, ओके बाइक इन्फो में मिलती है, बाइक इन्फो में मुझे कोलिजन टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस इंटरवल्स मुझे मिल जाते हैं यहाँ पे। देन व्हाट आई हैव नेक्स्ट इज ओके ट्रिप इन्फो मुझे मिल जाती है, कितना किलोमीटर्स का है ट्रिप वन ट्रिप टू में, आई गेट टू नो दैट। देन स्पीड कंट्रोल मुझे मिलती है, मतलब कितना स्पीड में मैक्सिमम करना चाहता हूँ इस बाइक के ऊपर वो मैं इस बाइक के ऊपर सेट कर सकता हूँ उसको यहाँ पे। तो स्पीड कंट्रोल को अभी ऑफ करके रखा है, उसको चाहिए तो मैं इसको ऑन भी कर सकता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव इन टर्म्स ऑफ द स्पीड कंट्रोल। तो ठीक है फिर ओके सेटिंग्स में और क्या मिलती है मुझे, ओके ओह शिट, ओके क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन था वो वहाँ पे तो मैंने वो दबा दिया गलती से, ठीक है। देन आई हैव दिस नेविगेशन, मतलब यू नो टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन है, फ़ोन कनेक्ट करो और नेविगेशन सेटअप कर दो। देन यहाँ पे म्यूज़िक मिलती है, मतलब अगर आप मेरे पास फ़ोन में ब्लूटूथ है, फ़ोन में म्यूज़िक है, इसके थ्रू कनेक्ट करूँगा मैं अपने हेडसेट में, इंटरकॉम है मतलब हेलमेट में इंटरकॉम लगाया हुआ है तो मैं म्यूज़िक चेंज कर सकता हूँ, कॉल्स उठाना बंद करना सब कुछ मैं यहाँ पे आराम से कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव इन शॉर्ट एंड क्विक सेटिंग्स में आपको मुझे क्या मिलती है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेटिंग्स में यू गेट क्विक सेलेक्टर, यू गेट कनेक्टिविटी, यू गेट क्विक शिफ्टर को भी आप एनेबल डिसेबल कर सकते हो, देन दिस इज़ अ बाई डायरेक्शन क्विक शिफ्टर बाय द वे, एंड शिफ्ट लाइट भी मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, क्लॉक एंड डेट सेट कर सकता हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिट्स में सेट कर सकता हूँ, लैंग्वेज सेट कर सकता हूँ अभी इंग्लिश है। एक्स्ट्रा फंक्शंस में क्या मिलता है, ओके यू गेट लॉन्च कंट्रोल, ऑडियो, नेविगेशन, क्विक शिफ्टर, सो दैट इज़ व्हाट यू गेट ऑन दिस मोटरसाइकिल। अभी हम देखते हैं इसमें यार ट्रैक मोड में जाते ही क्या दिखेगा, ओके पहली बात राइड मोड में है तो राइड मोड में मैं ट्रैक मोड में डालता हूँ तो ये रहेगा ट्रैक मोड, ओके तो ट्रैक मोड में मैंने डाल दिया बाइक को, ट्रैक मोड में डालते ही यहाँ पे देखो आप सामने जो है पूरा एक ट्रैक स्पेक डिज़ाइन आ जाता है एंड यहाँ पे टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर एंड ऑल दोस थिंग्स, लॉन्च का डिटेल्स, देन यू हैव योर ABS मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, देन आपको मिलती है यहाँ पे लैप टाइमर आप सेट कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको लैप्स कितने आपको करना है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दैट इज़ व्हाट यू गेट ऑन द मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ द ट्रैक मोड। पावर और टॉक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपको जो ट्रैक के लिए चीज़ें चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं था,
ऑल यू हैड वॉज स्पीड शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब तो बेसिक तो चीज़ें थी इसमें भी, वो इसमें भी है, लेकिन इसमें आपको मिलती है एक्स्ट्रा, दैट इज लॉन्च कंट्रोल आपको मिल जाती है, वो ट्रैक मोड में मिलती है। एंड स्विच गियर का जो क्वालिटी है एंड जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है नया मॉडल में। यू कैन सी हियर इंजन के स्विच स्टार्ट बटन, फिर यहाँ पे टॉगल स्विच, हजार्ड लाइट, सब कुछ यहाँ पे अलग ही डिज़ाइन में दिया हुआ है। इवन द मिरर्स, दिस लुक्स अ लिटिल बिट फ्रॉम डोमिनार आई फील। एंड यहाँ पे जो मिरर है, ये टिपिकल KTM के आपको मिरर्स मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज ये जो स्विच गियर है काफ़ी अलग स्विच गियर है, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन में दिया हुआ है। एंड दैट सम्स इट अप। और कुछ ऐसे मेजर डिफरेंस तो आपको बता नहीं सकता हूँ। एग्जॉस्ट के लिए इसका गाड़ी का चाबी जो है यहाँ पे नहीं है। सो या बाय द वे, यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिलता था, यहाँ पे आपको NW एग्जॉस्ट हो चुका है। सो इसका दिस वॉज इट विद वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि गाड़ी का वीडियो आपको पसंद आया है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो प्राइसिंग में यहाँ पे जो है द न्यू ड्यूक 320 का जो प्राइसिंग है 3,10,000 रुपये है, वेरस ये जो पुराना ड्यूक 320 उसका जो कॉस्टिंग था 2.97 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। सो ये प्राइसिंग में फ़र्क थे। यहाँ पे आपको मिलते दो कलर्स आपको मिल जाते हैं, वन इज एटलांटिक ब्लू मिलता है, दूसरा आपको मिलता है इलेक्ट्रिक ऑरेंज। तो इतने ही दो कलर्स आपको मिल जाते हैं नए वाले में। पुराने वाले में भी आई थिंक 2-3 कलर्स ही थे। तो अभी तो यार ऑफकोर्स खत्म होने वाला है, जब तक स्टॉक्स है तब तक जाके खरीद सकते हो। सो इस गाइस दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज यूजुअल आई विल एंड दिस वीडियो विद जय हिंद, वंदे मातरम।